अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब। आई होप कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ होने वाला है कि मेरे दोस्त का आज हमारा दोस्त जो है एहतिकाफ में बैठने वाला है। अभी हम जाने वाले हैं उसके एहतिकाफ में बैठाने और वो बैठने वाला है फजाने मदीना में। तो अभी थोड़े से लेट तो हो चुके हैं हर बार की तरह, आज भी हम लोग लेट हो चुके हैं। अभी फिक्स 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग मदिया पर हैं। तो अभी हम यहाँ से 6 बजे रवाना होते हैं। अब देखें कब तक पहुँचते हैं वहाँ से। तो अभी यहाँ से रवाना होते हैं और फिर आपको जाके अपने दोस्त से मिलवाते हैं जो अभी एहतिकाफ में बैठने वाले हैं। जब तक के लिए अभी मेरे साथ मौजूद हैं वल्ला और मुस्तफ़ा। ये हाँ भाई, रेडी हैं फिर जाने के लिए? देर हो रही है ना काफ़ी। बस चलो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई, हर बार की तरह इस बार भी कराची में वही ट्रैफिक का मसला। ट्रैफिक चेक करें। ये हर बार की तरह आज भी कराची में ट्रैफिक नहीं छोड़ेगा भाई। 6:10 हो गए वल्ला। बाकी चलो अभी हमारे पास है 20, आधा घंटा है अभी हमारे पास। आधे घंटे में देखते हैं लोग पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। कोशिश हमारी यही है लोग पहुंच जाए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है, बस अभी भी यहाँ से निकलते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं लोग इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। अभी आधा घंटा है, नहीं आधा घंटा नहीं, सॉरी 20 मिनट। Few moments later. यार यहाँ पर फिरिंग का पेट्रोल खत्म हो गया और अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ पर फजाने मदीना से थोड़ा ही दूर है। बस अभी यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। अभी मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है और 8 मिनट रोजे में। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग कब तक पहुँचते हैं फजाने मदीना में। 8 मिनट रोजे में है और 10 मिनट में यहाँ से फजाने मदीना तक पहुँचने में। बाकी देखते हैं, अभी हालत फुल टाइट हो रही है, रोजे का टाइम करीब आ रहा है, पेट्रोल बाइक से इसी टाइम ही खत्म हो रहा था। तो चलो यहाँ से भी जल्दी जल्दी पेट्रोल भरवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। 2 hours later. चलो अभी पहुंच चुके हैं फजाने मदीना और हम लोगों का सीधे रोजा मिलने में 3 मिनट बाकी रहेगा। और वो देखे सबके साथ भाग रहे हैं, वो देखे मल्ला साहब, वो देखे कैसे भागते हुए जा रहे हैं। ये देखे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अजान होने वाली है, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रहेगा और हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है अंदर। हमारा दोस्त भी इंतजार कर गया, थक चुका और अभी वो भी देखते हैं। बस अभी फटाफट अंदर चलते हैं। बस अभी फटाफट से एंटर होते हैं, यहाँ से अभी खजूर लेते हैं। खजूर वगैरह मिल गई है, बस अभी अफ्तार होने वाला है, अभी अफ्तार करते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से अपने दोस्त से मिलते हैं जिसको एहतिकाफ में बिठाना है। वही हमारा इंतजार कर करके बेचारा फुल थक चुका है। अभी फटाफट पहले अफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर उससे मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर अफ्तार का टाइम हो चुका था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। यहाँ पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, व्लॉग बनाना थोड़ा सही नहीं लगा, तो आप लोग किसी से गुजारा कर लेना। चला जी, अभी हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह तो कर ली है, टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका था, अफ्तारी हमारे को भारी करनी पड़ी, जो हमारे को थोड़ा बहुत मिला बाहर से। अभी हमारे सामने अरेंज करके अभी अफ्तारी तो करी है, लेकिन पानी ये बोतल के लिए थोड़ा सा मसला हुआ था, पानी नहीं मिल पाया था बाहर। अभी ये काफ़ी रश के बाद हमारे को एक बोतल मिली है, रश चेक करें। और इतना रश के बाद फिर जाके एक पानी की बोतल मिली और फाइनली अभी रोज़ा खुल चुका है। तो अभी 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 तक हम अपने दोस्त से नहीं मिले उसको, जिसको अभी अब एहतिकाफ में बिठाना है। रश बहुत है, अभी नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर उससे मुलाकात करते हैं। A few moments later. अच्छा, अभी जो एहतिकाफ में बैठने वाला था ना, जिसके लिए हम यहाँ तक आए, अभी नमाज वगैरह सब हो चुकी है, तो अभी ये खड़ा हुआ वो सामने और अभी एहतिकाफ में बैठे हैं आज। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का एहतिकाफ कबूल करे। ये अभी बातें कर रहे हैं, यही जो टोपी लगा के खड़े हैं यही है, इसके साथ ये बातें कर रहे हैं ना। फिर अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर, उससे बात फिर कंटिन्यू करते हैं। दोस्त के एहतिकाफ में बिठा कर आ चुके हैं और अभी हम यहाँ से बाहर निकल लें। एहतिकाफ में बिठा दिया हमने अपने दोस्त को और बस अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मुस्तफ़ा रो रहा, मुस्तफ़ा क्या बोलने वाले? बात के लिए रुक रहा है भाई, वो एहतिकाफ के लिए रुका है। आप भी बढ़िया आते हैं ना एहतिकाफ में, बहुत सीलिफ भेज दिया तुमने तुम्हारे लिए। बाल्टी में ना डूब मरने का मकाम है, ऐसी बात कर दी मुस्तफ़ा ने। क्या बोल दिया मुस्तफ़ा? तो एक बार फिर से ये तुम्हारी बात कर रहे थे पर ये लोग मना कर रहे हैं, बोले इन जैसों को नहीं बिठाएंगे। गजब बेइज्जती है क्या बल्ला? तो खाने का क्या सीन है यार? खाने का ये सीन है, तुमने रोजा तो अभी खैर जमीन में बैठा के खुलवा लिया, खैर है, इसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब अच्छी सी जगहों पर रोजे खोले तो आज ये भी देख लिया भाई, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो बात है, पहली दफा हम लोगों ने ऐसा कहाँ बैठ के खुला है वो भी दिखाते जरा। यहाँ पर बैठ के हमने रोजा अफ्तार किया, लेकिन माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह, और ऐसा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आज का, बाकी वाला मेरे ख्याल से तुम्हारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरा बिल्कुल फर्स्ट, हम सबका ही फर्स्ट टाइम ऐसा खोला है, वरना तो घर पे खोला ज्यादातर या बाहर किसी कहीं बिरयानी विरयानी खा ली या कुछ और अच्छी जगहों पे गए, फर्स्ट टाइम यहाँ आज बैठे। चलो ये भी होना चाहिए एक्सपीरियंस इंसान को। तो अभी तो ये है कि बाहर निकलते हैं, तो मेरा तो इरादा है कि निहारी खिला दी जाए, बाकी जैसा आप लोग बोए वैसा कर लेंगे। मुस्तफ़ा से पूछ लेते हैं कि मुस्तफ़ा क्या खाना चाह रहा है? भाई जो भी खिलाओगे खा लेंगे, जो भी खिलाओगे खा लेंगे। मुस्तफ़ा बोला जहर खिला लो वो खा लेंगे, बस बात।
अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, फिर देखते हैं मुस्तफा क्या खिला रहा है। 2000 years later. अच्छा यार अभी बजाने बजे से डायरेक्ट घुसे मुल्ला निहारी। जी आपने सही सुना, मुल्ला निहारी पे, क्योंकि अभी मुलानों की जगह जा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना मुलाना की कोई बिरयानी जो है टेस्ट की जाए। सॉरी बिरयानी नहीं, निहारी। तभी हम लोग पहुंचे मुल्ला निहारी पे। यहाँ पे भी थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं। बल्ला और मुस्तफा की फुल हालत टाइट हो रही है, और आज से जो खाना खिलाने वाला है वो है हमारे मुस्तफा। भाई ये निहारी को बिरयानी बोल रहे हैं, इनकी गलती नहीं, असल में इनको रोजा बहुत लग रहा है। आज हमने रोजा बाहर रोड पे बैठ के खोला है ना, तो इसलिए इन्होंने सही से नहीं खोला। टेंशन नहीं लो निशान, खोल लेते हैं अभी, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल नहीं लो। मुस्तफा खड़ा हुआ, तुम बर्तन धोगे निशान, बैठ के पैसे नहीं है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, नहीं मुस्तफा को। ये कर रहा है तुम्हें बिठाने, यहाँ पर पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे भाई बंदे को रख लो हमारे। याद नहीं, बड़ा खाना वाना खाते हैं, खाने के टाइम पे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। 2 hours later. फाइनली अब खाना भी आ चुका है, और खाने पे हमने मंगाई है निहारी। और निहारी आप चेक करें, बल्ला ने और मुस्तफा ने तो दोनों ने स्टार्ट भी कर दी, इनसे तो भूखा बर्दाश्त भी नहीं हो रही। कैसी है बल्ला? अच्छी है, अच्छी है या बहुत अच्छी है? नॉर्मल है। हाँ भाई मुस्तफा सही है। चलो भाई यहाँ पर भी फटाफट से खाना वाना खाते हैं, और इसका मैं इंशाल्लाह शॉर्ट भी डालूंगा, तो शॉर्ट भी आप लोगों ने जरूर देखना है। तो बाकी अभी फटाफट यहाँ से खाना वाना खाते हैं, फिर खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। A few moments later. अच्छा भैया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खा पी के भी फारिग हो चुके हैं, और अब दोस्त से भी मिल लिए, खा पी के भी एकदम फारिग हो गए। वल्ला कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लिए। हाँ मजा आ गया। नहीं नहीं माशाल्लाह, खाना पीना है तो आज सारी दावत मुस्तफा की तरफ से है, लूट लो जितना लूट सकते। नहीं नहीं मजा आ गया माशाल्लाह, जरूरत नहीं। अच्छा मुस्तफा मजा आ गया? अम्मा भी मजा आई, मुस्तफा का मजा आया। अच्छा भाई चाहिए तो फिर आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।